दोस्तों स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद के फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं, और हमेशा जब पॉपुलैरिटी किसी भी चीज़ की बढ़ती है तो हमेशा एक उम्मीद की जाती है कि उसको हम स्टैंडर्डाइज करें। ऐसे में आयुर्वेद में जो पंचकर्म है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्रोनिक डिजीजेज हैं वहाँ पे दवाओं से केवल काम नहीं चलता और कहीं ना कहीं आपको पंचकर्म की आवश्यकता पड़ती है, और पंचकर्म जितने भी क्रोनिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो पंचकर्म कराने के लिए बहुत से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और बहुत से इक्विपमेंट्स को क्लासिकल जो हमारे आयुर्वेद की किताबें हैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। लेकिन कमी ये है कि जहाँ भी डिस्क्रिप्शन मिलता है पंचकर्म से संबंधित यंत्रों की, वहाँ पे एक पर्टिकुलर साइज नहीं दिया गया है, और जहाँ पे मेंशन भी किया गया वहाँ व्यक्ति के अनुसार उसकी उंगली के प्रमाण में उसको बताया गया है। तो जैसा कि हम लोग की जितने भी व्यक्ति हैं सबकी उंगलियाँ एक समान नहीं होती, तो ऐसे में अगर हम अपने साइज से देते हैं तो उसकी साइज अलग होती है, और अगर कोई लंबा व्यक्ति है तो उसकी साइज अलग होती है। तो इस तरीके से अगर पर्टिकुलर हम किसी भी एक यंत्र को बनाने की बात करते हैं तो कोई स्टैंडर्डाइज साइज ना होने की वजह से हम किसी एक कंक्लूजन पर नहीं पहुँच पाते कि कोई भी यंत्र कितने साइज का बनाना चाहिए। तो ऐसे में BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि भारतीय मानक ब्यूरो, आप लोगों ने अधिकांश लोगों में नाम सुना भी होगा, स्पेशली जब गोल्ड की परचेजिंग करते हैं तो वहाँ पे BIS मार्क यानी हर मार्क अनिवार्य होता है। तो ऐसे ही जो BIS है हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड्स बनाता है, स्पेशली हमारे देश की अगर हम बात करें तो हर एक चीज़ का मानक BIS ही तय करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भारतीय मानक ब्यूरो। तो अभी BIS ने दो गाइडलाइंस जारी किए हैं, स्पेशली वो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट में दो इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर जारी किया गया है ड्राफ्ट, जिसमें कि लोगों से या जो भी मेकर्स हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे राय मांगी गई है कि इसका साइज क्या होना चाहिए, और जो उन्होंने उसमें दिया है ड्राफ्ट में वो सही है या उसमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता है। तो जो दो ड्राफ्ट रिलीज किए गए हैं उसमें एक तो है द्रोणी और दूसरा है शिरोधारा यंत्र, तो दोनों का स्पेसिफिकेशन इस बुकलेट में ड्राफ्ट में है जो जारी किए गए हैं, और इसमें जो भी इसके मेकर्स हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे इसमें राय मांगी गई है। तो सबसे पहले देखते हैं जो शिरोधारा यंत्र है उसके बारे में क्या क्या है। तो इसमें करीब 7 पेज का है ड्राफ्ट, हम इसको जो है ग्रुप पे टेलीग्राम, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आयुषवाणी, उसमें हम इसको डाल देंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो पंचकर्म करना चाहते हैं या इसके बारे में अगर कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो आप इस बुकलेट को पढ़िए, अगर आपके लायक है आपके पास कोई सुझाव है तो आप इसको दे सकते हैं, इसमें कंप्लीट डिटेल है। तो जो स्टैंड है, स्टैंड के बारे में जैसे कि इन्होंने दिया है वुड, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, कॉपर, ये 4 इसमें ऑप्शंस हैं। शिरोधारा वेसल के लिए स्टेनलेस स्टील, ब्रास, कॉपर है, सिरेमिक, क्ले है। चेन के लिए भी ऑप्शन है, जो हम लोग शिरोधारा वेसल उसमें लटकाते हैं तो उसके लिए स्टेनलेस स्टील है, ब्रास है, कॉपर है। शेप एंड डायमेंशन, देखिए डायमेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक किसी भी बुक में हमको डायमेंशन एग्जैक्ट नहीं मिलता, तो इसमें पर्टिकुलर विथ डायग्राम डायमेंशन दिए गए हैं, आप इसको देखिएगा, 4 नंबर पेज पे है जो मैं ड्राफ्ट टेलीग्राम ग्रुप में अपने पोस्ट करूंगा, या इसको मैं इस वीडियो में लगा भी देता हूं, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें जो टोटल हाइट दी गई है शिरोधारा यंत्र की स्टैंड की वो है 1830 mm, यानी कि लगभग जो है 1.83 मीटर इसकी हाइट है, और जो वेसल से स्टैंड की जो डिस्टेंस है 640 mm, यानी कि 64 सेंटीमीटर के आसपास है। जो वेसल की साइज है मतलब जो शिरोधारा पात्र है उसकी भी साइज दी गई है कि उसकी हाइट जो है 65 mm है और टोटल जो है 105 mm है, और जिसमें जो बत्ती लगेगी जो जिससे कि पानी या जो भी औषध द्रव्य गिरता है उसकी भी साइज का डायमेंशन है, और जो स्टैंड से वेसल का जो रॉड लगता है चेन लगता है उसकी भी साइज है 300 mm। तो बिल्कुल कोशिश की जा रही है कि जो हमारे जो भी यंत्र बने वो स्टैंडर्डाइज्ड बने, जहाँ भी मिले एक जैसे मिले, सिमिलर मिले। तो ये जो है काफ़ी एक बेहतरीन प्रयास कहा जाएगा ये BIS का, और इससे जल्दी ही जितने हमारे पंचकर्म के यंत्र हैं वो सब स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे। और जो दूसरा है द्रोणी जिसका जारी किया गया है, तो इसकी भी साइज जो है मेंशन की गई है, जो लेंथ है 2200 mm है यानी कि 2.2 मीटर है, जो विड्थ है इसकी चौड़ाई है 620 mm यानी कि 62 सेंटीमीटर है, हाइट जो है 700 mm है मतलब 70 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। उसके बाद द्रोणी का स्टैंड की भी साइज है, द्रोणी विथ स्टैंड उसका क्या साइज होना चाहिए, तो ये वाली जो द्रोणी का जो ड्राफ्ट है ये 6 पेज का है, तो इन दोनों को मैं पोस्ट कर दूंगा, और दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखिए, बहुत सी आपको जानकारियाँ से मिल जाएंगी।
तो जो भी BIS ने जो स्टेप उठाया है या जो ड्राफ्ट जारी किया है, ये कहीं ना कहीं आयुर्वेद के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इससे हम हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे। तो अभी तो सिर्फ दो ही है, उम्मीद है कि आने वाले समय में जितने भी हमारे पास हैं, जैसे बस्ती नेत्र है, बस्ती यंत्र है, और जो हमारे पास वो जो स्वेदन चैम्बर होता है स्नेहन के लिए जो हम लोग ट्यूब्स लगाते हैं, तो धीरे धीरे हो सकता है कि सभी धीरे धीरे स्टैंडर्डाइज हो जाए, सबकी साइज फिक्स हो जाए और जितने भी ऑल ओवर इंडिया या हम कहें वर्ल्ड में सारे के सारे यंत्र एक साइज के, एक समान, एक डिजाइन के आपको मिलने लगेंगे और उसका निश्चित ही हमारे थेरेपी में, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट आएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।